नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको इस सेशन में प्रोवाइड कराऊंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा प्रयास है साथियों आपको कम समय में करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा दिया जाए और उसके साथ जनरल साइंस से भी आपको डेली अपडेट कर दिया जाए। तो साथियों शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। इनकी जो पार्टी है नेशनल पार्टी, उसने करीब है जो साथियों 40% से ज्यादा वोटें हासिल किए हैं। ये किसका स्थान लेंगे? क्रिस हॉपकिंस का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? तो आंसर होगा क्रिस हॉपकिंस का स्थान लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे सीधा का सीधा पूछेगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर है किसे बनाया गया है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपोर्टेंट है? कि इसका आयोजन है जो साथियों भारत में हो रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे मनाया गया है? तो आंसर होगा जूही को मनाया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में। और भारत में आपसे पूछे कहाँ हो रहा है, तो झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा 27 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच है जो वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और साथियों इसका जो शुभंकर है, इसका अनावरण किसने किया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा है जो इसका अनावरण किया गया। वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? आंसर होगा जूही को बनाया गया है। टूर्नामेंट का आयोजन साथियों झारखंड के रांची में किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? 27 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, 2 नंबर देख के जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के बाहर रविंद्रनाथ जी टैगोर की प्रतिमा का अगर अनावरण किया जाता है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा वियतनाम में। कहां पर किया गया? वियतनाम में किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण। किसके द्वारा किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किसके द्वारा किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। और हाल ही में साथियों हमने वियतनाम को है जो INS कृपाण है जो उपहार स्वरूप दिया था। वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फा मिन चिंग और ये इनकी राजधानी है वियतनाम की हनोई। इंपोर्टेंट थी ये बेसिक जानकारी थी वियतनाम से दे दी। हाल ही में हमने जो वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया था वो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए रहेगा कि पहला है नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन किया गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा नागालैंड में किया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया और इसमें जो सीटें हैं वो 100 रहेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भी किया गया ये भी आपसे पूछे, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, चौथी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक है कहाँ हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आंसर है मराकेश में हुई। चौथी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई? मराकेश में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ये पूछेगा आपसे कि भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया, तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण व शक्तिकांत दास जी जो RBI के गवर्नर हैं
उन दोनों ने इसमें भाग लिया। आयोजित कहां हुई? मराकेश में हुई। भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री हैं, और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसमें भाग लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में ओम बिरला ने किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपी है? तो आंसर होगा ब्राजील। आपसे पूछा है ओम बिरला जी ने किस देश को P20 की प्रेसिडेंसी सौंपी है? तो आंसर होगा ब्राजील को सौंपी है। भारत की अध्यक्षता में संपन्न P20 की अध्यक्षता के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो P20 प्रेसिडेंसी है जो ब्राजील को सौंप दी है। इंपोर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया? यानी जो नागा रेजिमेंट है उसको प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया? तो आंसर होगा मनोज पांडे जी के द्वारा किया गया। अब ये मनोज पांडे जी कौन है? तो आंसर होगा आर्मी चीफ जनरल है मनोज पांडे जी। इन्होंने नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। यह सम्मान साथियों क्यों दिया जाता है? तो आंसर होगा देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई है, इनको यह सम्मान दिया जाता है। यानी देश की सेवा करने वाली जो सैन्य इकाई होती है इन्हें प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नागा रेजिमेंट को किसने प्रदान किया? तो आपका आंसर होगा मनोज पांडे जी के द्वारा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय 2.0 योजना का उन्नत संस्करण किस राज्य में पेश किया गया? तो आंसर होगा असम में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये इंपोर्टेंट रहेगा साथियों। अरुणोदय 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। तो आंसर होगा इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना है। इसमें करीब 7 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। यानी असम सरकार का उद्देश्य क्या रहेगा, गरीबी उन्मूलन करना है, यानी गरीबी को दूर करना है। इसमें अभी 7 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास है जो असम सरकार के द्वारा किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साउथ इंडियन बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा विजय कुरीन को बनाया गया है। आपसे पूछा है साउथ इंडियन बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा विजय कुरीन को बनाया गया है। इनका कार्यकाल है जो साथियों 20 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक रहेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कार्यकाल कब रहेगा? 20 नवंबर से लेकर 22 मार्च 2026 तक, यानी 20 नवंबर 2023 से लेकर 22 मार्च 2026 तक रहेगा। साउथ इंडियन बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा विजय कुरीन को बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में शतरंज अंडर 20 विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो आंसर होगा रौनक साधवानी बने हैं। कौन बने हैं? रौनक साधवानी बने हैं। इनका संबंध है जो नागपुर से है। 11वें राउंड में इन्होंने 8.5 अंकों के साथ है जो विजेता बने। ये हैं जो 11वें राउंड में 8.5 अंकों के साथ है विजेता बने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन साथियों जनरल, अब ये क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। अब अपने जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्क्लेरेकाइमा किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो आंसर होगा सरल ऊतक का। ये क्वेश्चन साथियों रीट में पूछा जा चुका है एक बार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्लेरेकाइमा किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो आंसर होगा सरल ऊतक का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, सवन ऊतक किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो आंसर होगा जटिल। सवन ऊतक है जो किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? आंसर होगा जटिल ऊतक। एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा अंग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा अंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम उदाहरण है? तो आंसर होगा जटिल ऊतक का। फ्लोएम किसका उदाहरण है? जटिल ऊतक का उदाहरण है। आगे है, जाइलम उदाहरण है? तो आंसर होगा ये भी जटिल ऊतक का उदाहरण है। साथियों इस सेशन में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर से बन रहे थे वो देखिए। इसके अलावा जनरल साइंस से जुड़े जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों वो भी मैंने आपके साथ इस सेशन में शेयर किए।
साथियों ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथियों आप टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे तो वहां पर आपको डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी। इसके अलावा बिहार और UP व हरियाणा व MP से संबंधित करंट अफेयर्स की भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डेली मिलेगी और उनकी PDF है जो आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको इंडिया GK वन लाइनर में मिलेगा और इसके अलावा राजस्थान GK भी है वन लाइनर में मिलेगा। इंस्टाग्राम पर आपको साथियों जो भी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो भी आपको है जो अपडेट करा दिया जाता है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।